हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अव्युद एकेडमी और मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि हमारे वीडियो सीरीज हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन की दूसरी कड़ी है। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं कि हम अपने इस सीरीज में आपको ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब करने के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको ऑनलाइन डाटा ऑपरेटर के जॉब के बारे में जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को मेक श्योर अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आया था, उसमें से खास करके कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बाहर भी ना जाना पड़े और वो घर बैठे ही कोई काम करके अपने लिए एक अच्छी आमदनी कर सके। बहुत सारे लोगों को इसमें डाटा ऑपरेटर का काम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो हमने उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया। दोस्तों, बहुत सारे लोग जैसे खास करके हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पीपल और कुछ एम्प्लॉयड लोग भी चाहते हैं कि जिनको कंप्यूटर का स्किल या डाटा ऑपरेशन का काम उन्होंने पहले किया है या अभी किया है या उनके पास ये स्किल है, तो वो ऑनलाइन इसका काम करके अपने लिए आमदनी करके अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं। इसलिए हमने ये डाटा ऑपरेटर का काम ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए जानकारी लेकर आए। आपके लिए हम एक बिल्कुल ही इंटरनेशनल वेबसाइट लेकर आए हैं और वो बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है। इस पे आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे उस पे बिल्ड करेंगे, इस सब की जानकारी हम आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और आप उसे सीख के अपने लिए रजिस्ट्रेशन करके और ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को डाटा ऑपरेटर का काम करना होता है उनको कोई बहुत हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, पर उन्हें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, उन्हें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उन्हें ईमेल करना आना चाहिए और नेट पे वेब सर्चिंग आना चाहिए। इससे वो इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जो खास करके टाइपिंग का वर्क है, उन टाइपिंग जो लोग इस पे डाटा ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तब आप एक डाटा ऑपरेटर का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी ताकि आप अपने आप को इस स्किल में प्रिपेयर कर सके। दोस्तों, हम जिस वेबसाइट को आज लेकर आपके सामने आए हैं उसका नाम है guru.com। हाँ दोस्तों, GURU ये शब्द भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी को लेकर ये बना हुआ है guru.com। बट ये एक इंटरनेशनल साइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है और इस पे हर तरह के काम अवेलेबल हैं जो एक डाटा ऑपरेटर कर सकता है, जैसे कि टाइपिंग, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन का टाइप करना, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग आदि। तो आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करके डाटा ऑपरेटर का काम दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें आमदनी भी बहुत अच्छी होती है और ये सारा पेमेंट डॉलर में होता है। याद रखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ टोटली फ्री है। अगर आप गूगल पे जाकर डाटा ऑपरेटर के लिए वेबसाइट सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे मिलेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फी और या फिर कोई पैकेज खरीदने को कहेंगे। दोस्तों, जो भी ऐसे वेबसाइट हैं वो बिल्कुल फेक वेबसाइट हैं और हम उन्हें रिकमेंड नहीं करते। ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है और इसमें आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने इंटरनेशनली सब जगह से लोग इस पे काम करते हैं और अपना काम करवाते हैं और पेमेंट होता है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कराएं और किसी भी क्लाइंट से जुड़े और काम करें तो अपना सारा कम्युनिकेशन वेबसाइट के थ्रू करें, ताकि अगर कोई बाद में पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आए तो वो वेबसाइट उसका ध्यान रखे, क्योंकि पेमेंट पहले वेबसाइट के पास आएगा और वेबसाइट ही आपको पेमेंट करेगा। इसलिए आप बाहर से कोई कम्युनिकेशन ना करें। अगर हमारे कुछ व्यूअर ये सोच रहे हैं
कि उनको जो डाटा ऑपरेटर की स्किल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड, ईमेल करना, इंटरनेट सर्च करना, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस आदि के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो से लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, काम करने का पैसा है। और फिर आप इस पर रजिस्टर कराएं अपने आप को, यहाँ से आप टाइपिंग के और कोई काम को वहाँ से उठा लें और उठा कर आप उससे ये काम करा लें, उसे आउटसोर्स कर लें जो इस काम को करने में माहिर, वो आपको ये काम करके देगा। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके जो आपका क्लाइंट है उसको वेबसाइट पर भेज दें और उससे पेमेंट ले लें। उस पेमेंट में से आप जिससे ये काम कराए हैं उसको पेमेंट करें। इस तरह आप इस काम को आउटसोर्स करके, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपना एक ऑफिस खोलें और उसमें इस तरह के एक्सपर्ट या जो लोगों को नॉलेज है टाइपिंग वगैरह की या ईमेल की, उनको रखें, काम आप उठाएं, काम वो करेंगे, उनको आप उनके काम का पैसा दे दें और अपना कट या अपना जो उसका लाभ हो वो अपने पास रखें। इस तरह जो लोग इस स्किल में माहिर नहीं हैं वो निराश न हों, उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, काम उठाना है, काम करवाना है और काम पे पैसे कमाना है। पैसे कमाने के हजार रास्ते हैं और आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलेंगे और वहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं guru.com पे, इसको स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिकली बताएंगे। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप हाथ में एक पेन और पेपर भी ले लें ताकि आप हर स्टेप को नोट कर लें और जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं उन्हें भी नोट कर लें। इससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने में और बिड करने में आसानी होगी। अगर कहीं आपको ये दिक्कत आए समझने में या सुनने में छूट जाए तो प्लीज रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को और उसको अपने पेपर पे नोट कर लीजिए। एक बात मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि आप अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और बैंक अकाउंट नंबर, ये सब या तो नोटपैड पे या एमएस ऑफिस के एक शीट पे नोट कर लें ताकि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सब चीज आप केवल कॉपी और पेस्ट करें। वहां पे आप एमएस ऑफिस या नोटपैड पे ये लिख के बकायदा चेक कर लें कि इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते रहते हैं तो अधिकतर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में हो जाता है। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं और अपने उस पेज को खुला रखें ताकि आप कॉपी पेस्ट आराम से कर सके फॉर्म पे। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि जिस ईमेल को आप इस रजिस्ट्रेशन में देने जा रहे हैं उसको खोल के रखें, क्योंकि वहां एक वेरिफिकेशन आएगा और आपको उस वेरिफिकेशन का रिप्लाई देना होगा, तभी आप फॉर्म पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी ताकि आप अपने काम को सावधानी और अच्छी तरह कर सके। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम आपको प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करना, बिड करना आदि सिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पे और अब हम एक ब्राउजर खोलेंगे अपने क्रोम पे जाके और ब्राउजर में टाइप करेंगे guru.com। तो ये guru.com का साइट खुल गया है। हम आपको परिचय के लिए थोड़ा सा बता दें कि guru.com जो है इसने अभी तक 30 लाख मेंबर हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 30 लाख मेंबर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसने अभी तक 10 लाख जॉब कंप्लीट कर चुका है और साथ ही साथ इसने 25 करोड़ यूएस डॉलर का पेमेंट अपने यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको कर चुका है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी जेन्युइनिटी की जानकारी। अब हम चलते हैं कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे साइन अप को, जो राइट हैंड साइड में ऊपर में दिया हुआ है। अब देखिए साइन अप करने के बाद ये हमारा एक पॉपअप खुल गया। इसमें हमको पहले अपना पूरा नाम लिखना है। तो हम लोग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब कुछ एक नोटपैड पे खोल के या अपने क्या कहलाता है एमएस ऑफिस के एक पेज पे लिख के टाइप करके चेक करके रख लें और वहाँ से कॉपी पेस्ट करें।
हम भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि ये काम हम लोगों के लिए आसान रहे और कोई मिस्टेक ना हो। देखिए हमने ये डाला, अब हम अपना ईमेल आईडी भी पेस्ट कर रहे हैं, आप इसे चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको एग्री करने पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड को क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखिए इस पे दो साइनअप में आपके पास ऑप्शन आए हैं, क्या आप एम्प्लॉयर या फ्रीलांसर, किस तरह रजिस्टर करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर वो होते हैं जो काम देते हैं, फ्रीलांसर वो होते हैं जो काम करते हैं। हम लोगों को बेसिकली काम करने वाले में अपने आप को रजिस्टर करना है, इसलिए हम लोगों ने फ्रीलांसर को क्लिक किया। अब फ्रीलांसर को क्लिक करने के बाद ये हमसे एक 8 कैरेक्टर का पासवर्ड मांग रहा है, तो आप भी एक 8 कैरेक्टर का पासवर्ड अपने लिए सोच सकते हैं। बेहतरीन रहेगा कि आप उसमें कुछ न्यूमेरिकल, एक कैपिटल लेटर और बाकी छोटे अल्फाबेट्स यूज करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। Please enter a 4-digit code sent to you in your email. मतलब कि हम लोगों ने पहले इसको ट्राई किया था इसलिए ये मैसेज आ गया है, और हमने पहले भी आपको बताया कि अपना ईमेल खोल के रखें जिस पर वेरिफिकेशन आएगा। देखिए वेरिफिकेशन आ गया है और हम लोग वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। आप भी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा और आपको वेरीफाइड पे क्लिक करना है और वहाँ से एक कोड है, जो कोड इसमें आता है वो कोड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, तो अब आपने देखा कि हमने हमारे पास जो पहले वेरिफिकेशन आया था उसमें जो कोड था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब तक इसने हमें दूसरा कोड भेजा और हम उस कोड को एंटर कर रहे हैं। और देखिए ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हमने वेरीफाई को क्लिक किया। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक एड सिक्योरिटी क्वेश्चन आया है, ये सिक्योरिटी के लिए है, किसी के भी उसके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर हम तो अभी अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे स्किप दिस फॉर नाउ, तो हम उसे ही क्लिक कर देते हैं, तो ये हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हमने उसको स्किप किया, अब ये हम लोगों को बोल रहा है कि सर्च एड्रेस, यानी कि हम लोगों को अपना पूरा एड्रेस लिखना है। हम लोग यहाँ पे अपने एड्रेस को लिखेंगे जो कि दिल्ली में है। आप जो हैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस लिखें, जैसे कि हमने आपको बताया कि आप ऑलरेडी वर्ड फाइल में इसको टाइप करके रख सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपना एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं और आप देखें। तो दोस्तों आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस पे एक पॉपअप खुला है, उस पर लिखा हुआ है एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और हमें अब अपना यहाँ एड्रेस, उसके बाद सिटी का नाम, कंट्री का नाम, स्टेट और पिन नंबर लिखना है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप करके रख रखा है जैसे हमने आपको एडवाइस किया है, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, और हम यहाँ पे अपना एड्रेस कॉपी पेस्ट करके उस पर डाल रहे हैं और हमारा एड्रेस यहाँ डल गया। इससे आप अपने इलाके का डाल सकते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी उस वहाँ के हिसाब से आ गया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए एक वेलकम मैसेज आया है, वेलकम गेट स्टार्टेड बाय लिस्टिंग अ सर्विस यू ऑफर। अब चूंकि हम लोगों ने इसके लिए डाटा ऑपरेटर का वो बनाया है, क्या कहलाता है अपना वीडियो, तो हम यहाँ लिखेंगे डाटा ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं डाटा ऑपरेटर। अब आप देखें हम डाटा ऑपरेटर, अब यहाँ आप कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप जो हैं अच्छे डाटा ऑपरेटर हैं, दैट आई एम गुड एट डाटा ऑपरेटर वर्क, फुल स्टॉप लगाइए और आगे लिखिए आई हैव गुड टाइपिंग स्पीड एंड आई ऑलवेज कंप्लीट
always complete my work or project on time. अब आप यहाँ लिख सकते हैं आपकी स्किल और एक्सपर्टीज क्या है, आप टाइपिंग को दे सकते हैं, ठीक है, और भी कोई स्किल हो आपके पास जैसे डिज़ाइनिंग की, एडिटिंग की, प्रूफ रीडिंग की, तो उन सब चीज़ों को आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर रेट की बात है, तो यहाँ जो मिनिमम रेट है वो $8 है, तो आप मिनिमम ही यहाँ पर अपना रेट रख दें, इसलिए क्योंकि जो आप 8 लिखेंगे तो अभी आप शुरू में बिड करने जा रहे हैं, तो अगर आपका रेट कम है तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको वर्क मिले, क्योंकि चीप लेबर इज़ आल्सो वन ऑफ द कैटेगरी टू गेट द वर्क। और जैसे जैसे आप वर्क करके अपने क्लाइंट्स को देते जाएंगे उस तरह आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी और आप मिनिमम रेट से ऊपर की तरफ बढ़ के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब ये तो पर आवर का $8 था, अब कुछ मिनिमम बजट, माने कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, थोड़े काम हो, 2-3 पन्नों का, तो उसके लिए मिनिमम यहाँ पे जो है वो रेट है $25। तो आप यहाँ भी मिनिमम रेट ही अपने लिए लिख दें, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो हैं छोटे प्रोजेक्ट भी पाने में सफल हो जाएंगे। अब आप इसमें एक कैटेगरी आती है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटेरियल, उस वो भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग आर्ट कर सकते हैं, लीगल वर्क कर सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप इसमें से चूज़ कर लें कि आपने जो ऊपर फिल किया है उसमें क्या काम आप कर सकते हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटेरियल वर्क कर सकते हो क्योंकि उसमें टाइपिंग होती है, दूसरा आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर सकते हो जिसमें कि आप डाटा ऑपरेटर का काम कर सकते हो। तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को क्लिक कर दें क्योंकि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में ज़्यादा टाइपिंग वर्क मिलता है, तो हम उसी को क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब आप देखें कि हम लोग लिस्ट हो गए, ये इसने इंडिकेट कर दिया और हम डाटा ऑपरेटर हैं, यह हमारा रेट है, और इस तरह ये हम रजिस्टर्ड हो गए और हम अब जब भी वर्क आएगा तो हम इस पे से अपने आप को बिड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देख लिया, अब हमें उम्मीद है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना आ गया होगा और आपने हर चीज़ नोट कर ली होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी बताएं, हम आपको उसमें मदद करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर, आप किसी वेबसाइट को पार्ट टाइम जॉब या वर्क फ्रॉम होम के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं मिल रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसे भी अपने टीम को कहेंगे कि आपके लिए रिसर्च करके हमें उसकी जानकारी दे, ताकि हम आपके लिए एक वीडियो प्रायोरिटी से उस पर बना सकें। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, साथ ही थम्स अप देना ना भूलिए, ये हमारा इनकरेजमेंट है। थैंक यू।